सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देव नाम के देवता हैं, देवगण हैं, आठ हैं, अष्टवसु। वो एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने आए थे। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गाय थे। लाख व्यक्ति आ जाए तब भी उससे भोजन निकल आता था। उसका दूध जो पी ले हजारों वर्षों तक जवान रहेगा। अष्टवसुओं में देव नाम का एक वसु था, वो सपत्नी का आया हुआ था। उसकी पत्नी ने कहा पति देव से गाय चुरा लो। अरे देव कोटि में होकर क्या गलत बात सोचती है, नहीं मानी। ये चार हठ बड़े प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, तिरियाहठ, योगी हठ। ये जिस बात में अड़ जाए पूरा कराए। पत्नी ने इतना जोर लगाया कि इसको चुरा लिया। महर्षि वशिष्ठ माँ पराम्बा भगवती के उपासक, भगवान राम के जो गुरु हैं वो आद्याशक्ति पराम्बा भगवती के उपासक हैं। क्या प्रमाण है? बोले उनके सबसे बड़े बेटे का नाम ही शक्ति है। समझ में आ रहा है? वशिष्ठ ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? बोलो शक्ति। शक्ति, और शक्ति तो भगवती है ही है ना। तुमने अपने बेटे का नाम विनायक रख दिया, इसका मतलब गणेश से प्यार है तुम्हारा, इसलिए तुमने रख दिया। तो महर्षि वशिष्ठ ने अपने बेटे का नाम शक्ति रखा। सुन, शक्ति हो, ध्यान लगाया उन्होंने, पता लग गया, उन्होंने श्राप दे दिया। अब तो दौड़े दौड़े आए महर्षि के चरणों में गिर गए, बहुत रोए, अपराध हो गया श्रीमती के कहने से, इसने किया है, इसको तो बहुत दिन तक मृत्युलोक में रहना पड़ेगा, पर तुम लोगों को एक बार तो मनुष्य बनना ही पड़ेगा, बच्चे बनना ही पड़ेगा। उद्धार कैसे होगा पता करो, कोई मिल जाए जल्दी उद्धार का। गंगा मैया मिल गई। ये बात सीरियल में नहीं दिखाई गई, महाभारत। गंगा जी ने 6-7 पुत्र पैदा होते ही जंगल में बहाया, इतना तो दिखा दिया, लेकिन कारण क्या था वो नहीं दिखा जी, बताया महाभारत। कारण ये था, वो 8 के 8 आए, गंगा जी मिल गई, चरणों में गिर गए, रोने लगे, माँ हमें मृत्युलोक में ज्यादा न रहना पड़े, महर्षि का श्राप व्यर्थ तो हो नहीं सकता, इसलिए हम पर कृपा करो। वचन दो, पहले दे दिया वचन गंगा मैया ने, बोले पैदा होते ही हमको कहा देना,